नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एमके अकमल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वर्तमान के पाकी विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी के पास। और कुछ देर पहले आप देखे होंगे कि इनके आवास पे जो है वो जल सहिया लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो सर, क्या था मामला सर, क्यों यहाँ पे जल सहिया लोग का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था सर, और उनकी मांगें जो भी हमने देखी और हमने खुद इसको सर समझा भी सर, तो उनकी मांगें जो है सर वो जेन्युइन है सर, क्योंकि एक तरफ सरकार जहाँ मानदेय नहीं दे रही है, दूसरी तरफ उनको काम करने के लिए भी कहा जा रहा है सर। तो एक तरफ आप किसी को पैसे भी नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप उससे काम भी करवाएंगे, तो ये क्या समझ पाते हैं सर इस बात को आप? देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से ये आज तक इनका मानदेय सुन नहीं दिया। हमने पिछले बार भी विधानसभा में इनकी बात को रखा था कि भाई छोटी सी राशि मिलती है, नियमित रूप से इनको भुगतान हो, लेकिन ऐसे सरकार, ये अंधी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। ये सत्ता का घमंड हो गया इस सरकार को, इसलिए ये सुनती नहीं है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसकी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने सत्ता में आने के पहले कहा था कि भाई हम 1000 रुपया कुछ नहीं होता है, हम न्यूनतम मजदूरी के बराबर देंगे। तो उनको मानदेय तो न्यूनतम मजदूरी के बराबर देते हैं, तो निश्चित रूप से 18000 रुपये करीब होता है। तो इनको तो अपने उनका वादा जो था, उनका जो कहे थे, वही ऐसा याद दिलाने के लिए ऐसा विधायक के आवास पर धरना देकर के मुख्यमंत्री को याद कराने के लिए सभी जल सहिया बहने बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से आवाज़ है सो उन तक पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो इनको इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो आने वाले विधानसभा सत्र में भी हम इसको उठाएंगे भाई कि आज 48 महीना से जो इनका नहीं मिला है मानदेय, आखिर कैसे ऐसे इनका जीव कार्य होता है। और जबकि ये जितना भी ऐसा कार्य है वो सभी ऐसा समय समय पर निष्पादित करते हैं और ऐसे ये काम करते रहते हैं, तो इसलिए इनको निश्चित रूप से भुगतान होना चाहिए था। जो इस सरकार का नाकामी का है सो ये कहिए कि नमूना है कि इन्होंने भुगतान ऐसा 48 महीने से नहीं किया है। झारखंड में सर जिस तरह से बीजेपी सरकार में रही सर, उसके कार्यकाल को सराहा गया सर, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि रघुवर दास को भी जाती है सर, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी बनाए गए हैं सर, तो इससे पार्टी को कितना फ़ायदा होगा सर, और इसे आप कैसे समझते हैं? देखिए, हमने बाबूलाल मरांडी जी को सबसे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पाकी विधानसभा और पलामू की जनता सो और बेजवानों के जुबान जो भी हैं उन तमाम लोगों को की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और ये बाबूलाल मरांडी पूरे राज्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, नया नाम नहीं है, ये पहले भी ऐसे संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में बहुत जिम्मेवारी के साथ ऐसे काम किए हैं, सफलतापूर्वक काम किए हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, इनके अनुभव का लाभ है सो पार्टी को मिलने वाला है। और 2024 का जो चुनाव होगा, जो ये हम अपना झारखंड का 1400 सीट है लोकसभा का, और इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और 1400 ये कहिए कि सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, इनके गठबंधन को जाएगा। और आने वाले समय में हम केंद्र में फिर से अपने श्रद्धेय और अपने ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शपथ लेते हुए सो पूरी देश की जनता के साथ साथ पाकी विधानसभा की जनता और एक ये चतरा संसदीय क्षेत्र की जनता सो देखना चाहती है, वह इनके नेतृत्व में सो संभव होगा, सो बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में संभव होगा, ये पूरा भरोसा है सर। तो आपने सुना ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी के आने के बाद बीजेपी पार्टी में और मजबूती हो जाएगी, और जो फिर से जो है 2024 में जो है वो बीजेपी पार्टी सरकार बनाएगी और उसके मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी होंगे, इस तरह की बात इन्होंने कही। और भी ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।